हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल यूनिक एविएशन। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं नोज व्हील्स की और इसके साथ साथ लैंडिंग गियर एक्सटेंशन लीवर्स की और उनमें आने वाले वार्निंग्स की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना ये वीडियो। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू एवरीवन, वी ऑल नो एविएशन नीड सपोर्ट्स। मैं अपना कर रहा हूँ, आपको अपना करना है। प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और एंड तक ज़रूर देखिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं नोज़ व्हील्स की। जो नोज़ व्हील होते हैं ये लगभग मेन व्हील की तरह होते हैं, बट जो नोज़ व्हील होते हैं वो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होते हैं एज़ कम्पेयर टू मेन व्हील। अब ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि नोज़ व्हील का यूज स्टीयरिंग के लिए किया जाता है। स्टीयरिंग का मतलब ग्राउंड पर एयरक्राफ्ट को लेफ्ट या राइट घुमाने के लिए हम नोज़ व्हील्स का यूज़ करते हैं, और इसी कारण से इसमें एक एडिशनल कंपोनेंट लगाया जाता है जिसको हम स्टीयरिंग एक्चुएटर के नाम से जानते हैं। ठीक, ये एक्चुएटर बहुत ही सिंपल होता है और इस एक्चुएटर में जब हमारा हाइड्रोलिक फ्लूइड का प्रेशर लेफ्ट साइड से जाता है तो ये पूरे व्हील को लेफ्ट डायरेक्शन में घुमा देता है, और जब राइट साइड से जाता है तो ये पूरे व्हील को राइट डायरेक्शन में घुमा देता है। ठीक है, तो ये बात हो गई हमारे स्टीयरिंग की कि आखिर हम एयरक्राफ्ट को ग्राउंड पर लेफ्ट राइट कैसे घुमाते हैं। बट एक प्रॉब्लम ये है, क्योंकि हम जानते हैं जब रनवे से टेक ऑफ कर जाता है एयरक्राफ्ट तो उसके बाद इसको क्या होता है, रिट्रैक्ट कर लिया जाता है। अब जो हमारी व्हील वेल्स होती हैं उनमें स्पेस बहुत ही ज़्यादा लिमिटेड होता है। तो ये बताइए हमको, मान लीजिए ये किसी तरह से घूम करके यानी स्टीयर होकर के गया और उसके बाद ये उसी पोजीशन में बना रहा और हमने लैंडिंग गियर को रिट्रैक्ट कर दिया, तो ये क्या करेगा, एयरक्राफ्ट के स्ट्रक्चर को डैमेज कर देगा या फिर खुद ही डैमेज हो जाएगा। तो इससे बचाने के लिए इसमें हम एक एक्स्ट्रा मैकेनिज्म का यूज़ करते हैं जिसको कहते हैं सेल्फ सेंटरिंग मैकेनिज्म। ठीक है, इसका मतलब ये होता है कि जैसे ही हम एक्सटेंशन लीवर को अप पोजिशन में करते हैं, मतलब रिट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं, वैसे ही ये मैकेनिज्म अपना काम करता है और व्हील को सेल्फ सेंटर कर देता है। सेल्फ सेंटर करने का मतलब इसे इनिशियल पोजीशन में लेकर के आ जाता है ताकि ये व्हील वेल में अच्छे से चला जाए बिना स्ट्रक्चर को डैमेज किए। ठीक है, अब सेल्फ सेंटरिंग करने के दो मेथड्स होते हैं। एक होता है कैम मेथड यानी कैम शाफ्ट मेथड, और दूसरा होता है इक्वल हाइड्रोलिक प्रेशर मेथड। ठीक है, तो कैम शाफ्ट मेथड क्या होता है, जैसा कि आप फिगर में देख रहे हैं, जैसे ही हम गियर को एक्सटेंड करते हैं मतलब ऊपर उठाने की कोशिश करते हैं, वैसे ही ये कैम इस शाफ्ट पे घूमता है और घूम करके अपने इनिशियल पोजीशन पर आ जाता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं इक्वल हाइड्रोलिक प्रेशर। इसमें क्या होता है, जो हमारा एक्चुएटर होता है जिसमें हम राइट और लेफ्ट से प्रेशर देते हैं तो हमारा स्टीयरिंग घूमता है, जैसे ही हम ऊपर उठाते हैं तो ये मैकेनिज्म क्या करता है, दोनों ही यानी लेफ्ट और राइट दोनों ही एक्चुएटर में इक्वल प्रेशर डाल देता है। अब दोनों में अगर इक्वल प्रेशर होगा तो सिंपल सी बात है, ये कहाँ होगा, सेंटर पर होगा। ठीक, तो ये दो मैकेनिज्म का यूज़ किया जाता है। ठीक, अब जितने भी स्मॉल एयरक्राफ्ट हैं, ठीक, उनमें रडर पैडल्स जो होते हैं उससे स्टीयरिंग का काम लिया जाता है, मतलब रडर पैडल की हेल्प से ही हम एयरक्राफ्ट को लेफ्ट या राइट घुमाते हैं ग्राउंड पर। पर जो मॉडर्न एयरक्राफ्ट आते हैं या बड़े एयरक्राफ्ट आते हैं उसमें हम यूज़ करते हैं हैंड टिलर का, जैसा कि आप फिगर में देख रहे हैं। इस हैंड टिलर की मदद से पायलट क्या करता है, एयरक्राफ्ट को ग्राउंड पर लेफ्ट या राइट घुमाता है। ठीक, ये बात इतनी क्लियर हो गई। अब हम बात करने वाले हैं लैंडिंग गियर एक्सटेंशन लीवर की। कहने का मतलब ये कि वो इंस्ट्रूमेंट जो कि कॉकपिट में लगा होता है और जिसकी हेल्प से हम अपने लैंडिंग गियर को डाउन या अप करते हैं। ठीक है, तो लैंडिंग गियर एक्सटेंशन लीवर जो होता है वो आप जैसा फिगर में देख रहे हैं ऐसा दिखाई देता है, और इसके तीन पोजीशंस होते हैं, सबसे पहला अप, फिर ऑफ और तीसरा डाउन। ठीक है, डाउन पोजीशन कहने का मतलब होता है कि लैंडिंग गियर ओपन है और लॉक्ड है। ठीक, अप पोजीशन कहने का मतलब ये होता है कि ये रिट्रैक्टेड हैं और लॉक्ड हैं। ठीक, ऑफ पोजीशन क्या होता है कि अगर एक बार रिट्रैक्ट हो गया लैंडिंग गियर और हम लॉन्ग ऑन फ्लाइट्स पर जाते हैं तो हम इसको ऑफ पोजीशन में सेलेक्ट कर देते हैं। इससे क्या होता है कि एक्चुएटर से जो हाइड्रोलिक प्रेशर होता है वो रिलीज हो जाता है, और रिलीज होने के कारण स्ट्रेस को रिलीज कर देता है। तो ये तो बात हो गई एक्सटेंशन लीवर की। अब इसी लीवर के ऊपर एक लाइट पैनल लगा होता है जिसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है। इसका मतलब ये कि अगर इस लाइट पैनल पर ग्रीन लाइट जल रही होती है तो इसका मतलब होता है कि लैंडिंग गियर डाउन है और लॉक्ड है। ठीक, अगर इस पर रेड लाइट शो हो रही हो तो इसका मतलब है वो ट्रांजिशन मोड में है। कहने का मतलब या तो वो खुल रहा है या फिर वो बंद हो रहा है। और अगर इस पर कोई लाइट नहीं है तो इसका मतलब होता है कि लैंडिंग गियर रिट्रैक्ट यानी अप है और लॉक्ड है।
ठीक है। इसके साथ साथ कुछ वार्निंग्स भी आती हैं, जब हमारे एयरक्राफ्ट की स्पीड एक प्री डिटरमाइंड लेवल से कम हो जाए या फिर फ्लैप्स जो हैं अगर वो फुल्ली डिप्लॉयड हैं और हमारा लैंडिंग गियर एक्सटेंड यानी डाउन नहीं है, उस टाइम पर हमें वार्निंग सुनाई देती है। और इस वार्निंग को कटआउट करने के लिए हम हॉर्न कटआउट स्विच का यूज़ करते हैं जो कि कॉकपिट में लोकेटेड होता है। ठीक है, तो ये बात हो गई हमारे लैंडिंग गियर एक्सटेंशन लीवर की। अब हम बात कर लेते हैं अपने DGCA क्वेश्चंस की। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि नोज व्हील का इंपॉर्टेंस क्या है। तो उसका इंपॉर्टेंस ये है कि हम उसकी हेल्प से एयरक्राफ्ट को ग्राउंड में लेफ्ट राइट मोड़ते हैं यानी घुमाते हैं। इसके साथ साथ एडिशनल कंपोनेंट क्या लगाया जाता है नोज व्हील में, तो वो है स्टीयरिंग एक्चुएटर जिसकी मदद से हम एयरक्राफ्ट को घुमाते हैं। इसके साथ साथ अपने एयरक्राफ्ट के स्ट्रक्चर को डैमेज होने से बचाने के लिए हम किस मैकेनिज्म का यूज़ करते हैं, तो उसका आंसर सेल्फ सेंटरिंग मैकेनिज्म। ये कैसे कैसे किया जाता है, तो दो तरीकों से, पहला कैमशाफ्ट मेथड और दूसरा इक्वल प्रेशराइजेशन मेथड। अब छोटे एयरक्राफ्ट में स्टीयरिंग कैसे की जाती है, तो विद द हेल्प ऑफ रडर पैडल्स, एंड बड़े एयरक्राफ्ट में कैसे की जाती है, विद द हेल्प ऑफ हैंड टिलर जो कि कॉकपिट में लोकेटेड होता है। इसके साथ साथ अगर हमारे लैंडिंग गियर का डाउन पोजीशन सेलेक्ट है तो इसका मतलब हमारा लैंडिंग गियर ओपन है और लॉक्ड है। अगर अप पोजीशन सेलेक्ट है तो रिट्रैक्ट है और लॉक्ड है। अगर ऑफ पोजीशन सेलेक्ट है तो सारा प्रेशर निकल जाता है और स्ट्रेस को रिलीव कर देता है। अब अगर हम लाइट पैनल की बात करें, तो अगर लाइट पैनल में हमें ग्रीन लाइट सो रही है, इसका मतलब क्या है कि हमारा लैंडिंग गियर डाउन है और लॉक्ड है। अगर उस पर रेड कलर सो हो रहा है तो इसका मतलब है कि हमारा लैंडिंग गियर ट्रांजिशन मोड में है, मतलब या तो वो ओपन हो रहा है या फिर वो बंद हो रहा है यानी क्लोज हो रहा है। ठीक, अगर उस पर कोई कलर नहीं सो हो रहा है तो इसका मतलब है कि हमारा लैंडिंग गियर अप है यानी रिट्रैक्टेड है और लॉक्ड है। ठीक, अगर हम बात करें वार्निंग्स की, तो वार्निंग कब आती है, दो कंडीशंस में, जब हमारे एयरक्राफ्ट की स्पीड एक सर्टेन लिमिट से कम हो जाए और हमारे फ्लैप जो है वो फुल्ली डिप्लॉयड हो और हमारा लैंडिंग गियर जो है वो एक्सटेंड ना हो, उस कंडीशन में वार्निंग आती है। और इस वार्निंग को आउट करने के लिए यानी हटाने के लिए हम किस स्विच का यूज़ करते हैं, हॉर्न कटआउट स्विच का, जो कि कहाँ लोकेटेड होता है, कॉकपिट में। ठीक है, तो ये सारे हो गए हमारे DGCA क्वेश्चंस। अब हमारा नेक्स्ट वीडियो देखना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि उसमें हम बात करने वाले हैं एयरक्राफ्ट के व्हील्स की, कि कौन कौन से व्हील्स होते हैं, उनका कंस्ट्रक्शन क्या होता है, किस मटेरियल के बने होते हैं और उनका यूज़ क्या होता है। तो नेक्स्ट वीडियो देखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और अगर आपको वीडियो ये अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, सभी तक पहुँचाइए ताकि सबकी हेल्प हो सके। थैंक यू।